साथ। नाज़रीन, आज हम डार एसोसिएट में मौजूद हैं। हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं, इनका नाम बाबर बशीर डार है। ये डीएचए वैली एसोसिएशन के सबका प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और मौजूदा होने वाले इलेक्शन में एज अ चेयरमैन हिस्सा ले रहे हैं। आइए आज हम आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं और इनकी कोशिशें और काबिशों से आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, खैरियत हैं जी। जी अल्लाह का शुक्र सर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इस बिजनेस में कब और कैसे आए? जी मैं इस बिज़नेस में तकरीबन 19 साल पहले आया था और इत्तेफाक़ ही आया था, मगर फिर ये है कि इस बिज़नेस के साथ ऐसी मोहब्बत हुई कि आज 19 साल हो गए हैं इसी बिज़नेस से मुंसलिक के। प्रॉपर्टी की मौजूदा सूरत हाल के बारे में? जी प्रॉपर्टी की मौजूदा सूरत हाल जो डीएचए की है वो तो बहुत अच्छी पोजीशन में है, और जो बैरिया से रिलेटेड है वो इस वक्त काफ़ी डाउन जा रही है। तो प्रॉपर्टी में तो इस वक्त बहुत सारे नए चेहरे आए हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं, और मेहनत की वजह से प्रॉपर्टी डीएचए जो खसूसन रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हवाले से बात करूँ, ये इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है और यहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर और डीलर्स काम कर रहे हैं, और अभी तक तो इसकी ये पोजीशन है कि अल्लाह ताला ने सबका जो रिजक लिखा हुआ है बड़े बेहतर तरीके से यहाँ लोगों को मिल रहा है। डीएचए वैली कहते हैं जब से स्टार्ट हुई है तो उसकी नस्बत डीएचए वैली की वजह से बैरिया का जो काम है वो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा, क्या ये ठीक है? नहीं देखें, बात यह है कि बैरिया की एक अपनी लोकेशन है और डीएचए वैली की एक अपनी लोकेशन है। अगर डीएचए को कंपेयर आप बैरिया से करेंगी तो वो आप दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकेंगी। बैरिया वालों की ये पोजीशन है कि बैरिया और डीएचए और हबीब रफीक ये तीन का जॉइंट एडवेंचर था ये डीएचए वैली में, उसकी वजह से इसकी डेवलपमेंट कोई कब्जे लेने में या किसी वजह से लेट होती गई। 2007 से ये प्रोजेक्ट चला था और अभी जा के इंतज़ामिया ने, डीएचए की इंतज़ामिया ने, बैरी की इंतज़ामिया ने, इन लोगों ने बड़ी अच्छी डेवलपमेंट शुरू की है, और आस्ता आस्ता अब इसका वैली का मतलब अच्छे ब्लॉकों का ऑन 7-8 लाख रुपए प्रॉफिट तक चला गया, और इसमें मेन बैरिया के, डीएचए के, इस्लामाबाद के, आर्मी के ऑफिसर्स, बहुत सारे लोग ऐसे इन्वेस्टर और डीलर नजर आते हैं कि जिसकी वजह से अब ये 75,000-80,000 प्लाटों से ज़्यादा का डीएचए वैली का एक प्रोजेक्ट है, और हम इसको लीड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम बड़े मुतमईन हैं और हमें ये पता है कि ये छोटी इन्वेस्टमेंट है, छोटी इन्वेस्टमेंट है और छोटे लेवल पे लोगों को ये बहुत फ़ायदा पहुँचा रही है। बच्चे इसमें, छोटे बच्चे लड़के काम करते हैं डेली, और ये ओपन सर्टिफिकेट हैं। पाकिस्तान में बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं लेकिन उसमें रिहायशी इतने नहीं हैं, इसकी क्या वजह है? असल इसकी वजह ये है जी कि अभी जो नई हाउसिंग सोसाइटियाँ, आप बैरिया को देख लें, बैरिया फेज़ 8 में, वो आपको महसूस इसलिए ज़्यादा होता है कि ये बहुत बड़ी सोसाइटीज़ हैं, इसमें बहुत ज़्यादा होम्स का आप अंदाज़ा लगा लें, घरों का अंदाज़ा लगा लें, प्राइवेट लोगों के घरों का अंदाज़ा लगाएं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। आप डीएचए फेज़ 1 को कंपेयर करें, डीएचए फेज़ 2 को करें, उसके आगे आप अंदाज़ा करें कि बाकी प्राइवेट सोसाइटियाँ हैं, ज़राज होगी, बहुत सारी मुख्तलिफ सोसाइटियाँ हैं, इनमें बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारी हाउसिंग प्रोजेक्ट को मतलब इसको लीड मिली है। तो उसमें यह है कि नए प्रोजेक्ट्स जो भी आते हैं उनमें काम स्लोली होता है, लोग देखते हैं अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा, हाउसिंग के लिए बेहतर है, तो इसलिए लोग वहाँ घर बनाते हैं। इसकी वजह से ये आस्ता आस्ता है, मगर ये है कि पिंडी इस्लामाबाद में इसकी बहुत डेवलपमेंट हुई है। फॉरेन इन्वेस्टर का कितना रुझान है? देखिए इस वक्त मैं आपको स्पेशली डीएचए वैली के हवाले से बता सकता हूँ, डीएचए के हवाले से बता सकता हूँ। देखें इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो सबसे ज़्यादा अगर कोई एतमाद करता है तो वो डीएचए पे करता है, और डीएचए तो एक बहुत बड़ा अदारा है पाकिस्तान का, और डीएचए वैली उसका अब डीएचए का ही अदारा है। बेशक वो अगर बैरिया के साथ रिलेटेड है, मगर ये है कि उसको लीड डीएचए ही कर रहा है। तो हम जो डीएचए वैली का स्पेशलिस्ट, मतलब हम तसव्वुर किए जाते हैं कि डीएचए वैली में स्पेशलिस्ट काम करते हैं, तो उसमें यह है कि डीएचए वैली में फॉरेन इन्वेस्टर तो बहुत ज़्यादा है, आर्मी इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है, उसके बाद जो कारोबारी हजरात हैं, बिजनेस पॉइंट वाले लोग हैं, क्योंकि इसमें से 7 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए तक आपको 5 मरले और 8 मरले का प्लाट आपको मिल जाता है, जिसमें आपको कोई डेवलपमेंट चार्जेस और कोई कुछ नहीं देना पड़ता। वो चाहे आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लें, चाहे ओपन सर्टिफिकेट की शक्ल में उसको रखें। जो नई हाउसिंग सोसाइटियाँ, आप बैरिया को देख लें, बैरिया फेज़ 8 में,
वो आपको महसूस इसलिए ज़्यादा होता है कि ये बहुत बड़ी सोसाइटीज़ हैं, इसमें बहुत ज़्यादा होम्स का आप अंदाज़ा लगा लें, घरों का अंदाज़ा लगा लें, प्राइवेट लोगों के घरों का अंदाज़ा लगाएं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। आप DHA फेज़ 1 को कंपेयर करें, DHA फेज़ 2 को करें, उसके आगे आप अंदाज़ा करें कि बाकी प्राइवेट सोसाइटियाँ हैं, ज़रा जो कि बहुत सारी मुख्तलिफ सोसाइटियाँ हैं, इनमें बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारी हाउसिंग प्रोजेक्ट को मतलब इसको लीड मिली है। तो उसमें यह है कि नए प्रोजेक्ट्स जो भी आते हैं उनमें काम स्लोली होता है, लोग देखते हैं अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा हाउसिंग के लिए बेहतर है तो इसलिए लोग वहाँ घर बनाते हैं, इसकी वजह से ये आस्ता आस्ता है। मगर ये है कि पिंडी इस्लामाबाद में इसकी बहुत डेवलपमेंट हुई है। फॉरेन इन्वेस्टर का कितना रुझान है? देखिए, इस वक्त मैं आपको स्पेशली DHA वैली के हवाले से बता सकता हूँ, DHA के हवाले से बता सकता हूँ। देखें, इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो सबसे ज़्यादा अगर कोई एतमाद करता है तो वो DHA पे करता है, और DHA तो एक बहुत बड़ा अदारा है पाकिस्तान का, और DHA वैली उसका अब DHA का ही अदारा है। बेशक वो अगर बैरियर के साथ रिलेटेड है, मगर ये है कि उसको लीड DHA ही कर रहा है। तो हम जो DHA वैली का स्पेशलिस्ट, मतलब हम तसव्वुर किए जाते हैं कि DHA वैली में स्पेशलिस्ट काम करते हैं, तो उसमें यह है कि DHA वैली में फॉरेन इन्वेस्टर तो बहुत ज़्यादा है, आर्मी इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है, उसके बाद जो कारोबारी हजरात हैं, बिजनेस पॉइंट वाले लोग हैं, क्योंकि इसमें से 7 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये तक आपको 5 मरले और 8 मरले का प्लाट आपको मिल जाता है, जिसमें आपको कोई डेवलपमेंट चार्जेस और कोई कुछ नहीं देना पड़ता। वो चाहे आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लें, चाहे ओपन सर्टिफिकेट की शक्ल में उसको रखें। गरीब तबके के जो लोग हैं, मिडिल क्लास, उनके लिए कितनी रिलीफ है DHA वैली में? देखिए, DHA वैली, मैं तो कहता हूँ कि DHA वैली में हर उस बंदों को आना चाहिए कि जिसके पास कम इन्वेस्टमेंट है। अगर आज देखें ना, DHA 1 और 2 जो है, ये आज से 10 से 15 साल पहले ये 5 लाख 10 लाख 8 लाख के करीब एक कनाल का प्लाट बिकता था, और आज इसकी कीमत है 2 करोड़ 2.25 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ मतलब प्लस है इसकी। तो DHA वैली में आज अगर डेवलपमेंट की ये पोजीशन है, अगर 7 से 15 लाख या 18 लाख रुपए तक प्लाट मिल रहा है 5 मरले से 8 मरले का, तो इस सेक्टर में मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए। ये वो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, अगर ये कम्प्लीट हुआ तो ये पिंडी और इस्लामाबाद की बिल्कुल एक शेप चेंज कर देगा। ये पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में ये कलर सईदान रोड पे बेसिकली है, और आप दूसरी तरफ से जाएं तो DHA 2 एक्सटेंशन के साथ इसका जो एक किनारा शुरू होता है और दूसरा कलर सईदान से जाके निकलता है, तो इसमें 75,000 से ऊपर प्लाट हैं। और इसमें ये है कि इस वक्त अगर ये मिडल मैन इसमें वैसे भी बहुत किरदार अदा कर रहे हैं, तो अगर वो और किरदार अदा करेंगे तो उनके लिए भी बेहतर है और हमारे कारोबार के लिए भी बहुत बेहतर है। DHA में सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है? वहाँ पे जितने लोग वहाँ पे प्लॉट खरीद रहे हैं या जो लोग वहाँ के रिहायशी हैं, उनकी सिक्योरिटी किस तरह पॉसिबल है? इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी को सिक्योर कैसे किया जाता है? बीबी, DHA एक बहुत बड़ा अदारा है और एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है, और मेरा ख्याल है इस वक्त सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से DHA की सिक्योरिटी पे, अगर आप कहें कि DHA की सिक्योरिटी से बेहतर कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम काफ़ी अरसे से DHA के, क्योंकि हमारा तो रोज़ DHA में से क्रॉस होता है और हमने सारी ट्रांसफरें और दूसरा सिस्टम सारा DHA में कराना, तो हम तो बेसिकली DHA की सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा मुतमईन है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो हमें DHA की सिक्योरिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमारे लड़के बच्चे जो काम करते हैं DHA में, वो सुबह आके अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं और कई दफ़ा रात को भी वहीं खड़ी रहती है, और दूसरे दिन सेकंड डे आके वो हमारे साथ गाड़ी पे चले जाते हैं, मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी रहती है, हमारी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी रहती हैं, हमारे बैग्स में पैसे होते हैं, ओपन फाइल्स होती हैं, तो हम तो DHA की सिक्योरिटी से बहुत मुतमईन हैं। बाकी तो आपको पता है कि जो अल्लाह का निज़ाम बनाया हुआ वो तो इंसान चेंज नहीं कर सकता, मगर हम फिलहाल जो डीलर्स आजाद हैं वो बहुत मुतमईन DHA की सिक्योरिटी से। लेकिन कहा जाता है कि जितनी तेज़ी से हाउसिंग सोसाइटीज़ बढ़ रही हैं, तो जो पहले की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बिल्डअप हुई हुई हैं वो डिग्रेड हो रही हैं, क्या ये सच है? देखिए, पिंडी इस्लामाबाद में आप तो ये देखें कि पिंडी इस्लामाबाद में DHA एक बहुत बड़ा अदारा है और उसके मुकाबले में बैरी एक बहुत बड़ा है। बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, वो तो हम लोगों को ये कहते हैं कि सोसाइटीज़ के बारे में आप छान पटक करके, अगर कोई आपने कुछ भी करना है तो छान पटक करके, बहुत से फेक नाम्स की, मुख्तलिफ नामों की सोसाइटियाँ ऐसी बहुत सारी बन गई हैं। ये ख़रीदारों पे भी और जो इन्वेस्टर आता है उन पे भी एक होना चाहिए कि वो इसको पूरा प्रॉपर तरीके से चेक करें, इनके पास NOC है, इनका देखिए ना, आज DHA में जो लोग लिविंग रह रहे हैं उसका सबसे बड़ा मसला है कि वो बहुत मुतमईन है। मेरी रिहाइश DHA में थी, फेज़ 1 में थी, मेरे घर में 4 गाड़ियाँ खड़ी होती थी, मैंने कभी गेट को ताला नहीं लगाया, उनकी सिक्योरिटी की ये पोजीशन है।
तो अब बाकी प्राइवेट सोसाइटियाँ जो है वो जब इंसान उनमें इन्वेस्टमेंट करता है तो इंसान को खुद सोचना चाहिए कि उसके बारे में सारा उसको ब्रीफ होना चाहिए। सर अभी तक आप एज अ वाइस चेयरमैन का जो इलेक्शन लड़े हैं उसके हवाले से बताएं। मैं पहले 4 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ जी, और मुझे 19 साल काम करते हो गए हैं। मैंने ये कोशिश की है कि इस प्रेसिडेंट की सीट को जो भी मेरे में एक्टिविटीज थी उनको बेहतर तरीके से निभाऊं और उसको एक ही सतह पर लेकर आऊं कि मेरे आने वाले बच्चे के लिए मैं एक मिसाल बनूं। और अब भी जो मैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा हूं ये मेरा आखिरी इलेक्शन है। मैं चाहता हूं कि मैं DHA में एक यूनियन लेवल पे एक ऐसी चीज़ छोड़ के जाऊँ कि जो आने वाले बच्चे जो हैं DHA और हमारा एक रिश्ता दो बाजुओं का हो, डीलर्स और DHA का रिश्ता बाजुओं का हो, एक बाजू के बगैर आप काम नहीं चला सकते। तो उसका बेहतरीन तरीका कि हम दोनों बाजू अगर ज्वाइंट होकर चलेंगे तो DHA को भी इसमें फ़ायदा होगा, हमारी यूनियन को इसमें फ़ायदा होगा, हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल। वैली में 75,000 के करीब प्लाट हैं और जब तक ये डेवलपमेंट होती है इसमें हाउसिंग प्रोजेक्ट बनते हैं तो आप देखें कि इसमें बच्चों का रिजल्ट लिखा हुआ है। तो अब हम उम्र के स्टेज में हैं कि हमें बच्चों के लिए एक मिसाल बनना चाहिए। तो मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ वो मैं किसी जाती मशहूरी के लिए या किसी जाती के लिए, मैं तो कहता हूँ, मैं आपके चैनल पे कहता हूँ कि अगर मेरे ख़िलाफ़ जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो इस काबिल हैं तो आप मुझे वोट ना दें, उनको ज़रूर दें। तो जी सर, इलेक्शंस पे जहाँ तक आपने बात की कि आप चाहते हैं कि जो काबिल है, जो डिज़र्व करता है वो जीते, क्या जब आप प्रेसिडेंट थे तो तब आपको DHA वैली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी? देखिए, मैं 3-4 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ, मुझे मुकम्मल अरसा तो याद नहीं है। हमने एक कमरे के अंदर चंद दोस्तों ने बैठ के एक सिलेक्टेड यूनियन बनाई थी। पहले से आप बता रहे थे सर कि आप ये आखिरी बार इलेक्शन लड़े हैं, इस बार आप ऐसा क्या करना चाहते हैं कि आपके जाने के बाद अवाम, आपके DHA वैली के जो लोग हैं वो आपको याद रखें? देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, इस पर मैं रोशनी इस तरह डालता हूँ कि मैं 4 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैंने उस वक्त भी बहुत कोशिश की है कि DHA वैली के मसाइल को हल करने के लिए DHA के इंतजामिया से बार बार रबते किए हैं, और जो हम अपने लेवल पे हमारी एक यूनियन थी, कमरे में बैठे हुए हम चंद दोस्तों ने एक सिलेक्टेड यूनियन बनाई थी, और उसके लिए मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला था कि मेरे साथ सारे लोग बहुत मुखलस थे। हमारे जो चेयरमैन हैं मेजर तोहैल साहब, उनके एफ़र्ट्स, हमारे दोस्त हैं, बाकी मिर्ज़ा शाहिद साहब हो गए, नजीब गुल साहब हो गए, इनकी बहुत एफ़र्ट्स थी हमारे साथ, नईम साहब थे। हमने दिलो जान से ये कोशिश की कि DHA वैली के बिज़नेस को हम प्रमोट करें, और उसमें हम कामयाब हुए। हम जब हमने इलेक्शन शुरू में हमने यूनियन बनाई थी तो हमने एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया था, अपनी यूनियन को रजिस्टर करवाया था, तो वो हमारे पास जब अभी हम ये इलेक्शन से पहले जब हमने देखा तो हमारे पास टोटल 60 और 70 मेम्बर्स थे। लेकिन ये यूनियन बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? यूनियन इसलिए बनाने की ज़रूरत है कि DHA वैली में ओपन प्लाट्स और ट्रांसफ़र प्लाट्स का सिलसिला होता है, तो उसमें जो छोटे बच्चे हैं उनको इसके बारे में इतनी समझ नहीं होती। तो दूसरा ये कि डीलर्स के अपने मसाइल भी होते हैं। हमने तो बहुत बड़े लेवल पे यूनियन के बारे में सोचा हुआ है, और हमारा ये विजन है कि हम यूनियन को ऑल इस्लामाबाद और रावलपिंडी की यूनियन बनाएंगे और पाकिस्तान लेवल पे इसको रोशनास कराएंगे। अपनी बिजनेस लाइफ को और पर्सनल लाइफ को कैसे डिफरेंस रखते हैं? देखिए, मेरी सबसे पहले तो मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। उसके बाद अगर उनको मैंने अच्छे लेवल पे अच्छी ज़िंदगी देनी है तो उसके साथ मेरा बिज़नेस भी है। तो मैं तो ये अपनी बिज़नेस और दोनों की ज़िंदगी को, दोनों को टाइम देने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर दोनों में से मैं किसी को टाइम ना दे सकूँ, अगर अपनी फैमिली को तो उनसे भी मैं मदद कर लेता हूँ, और बिज़नेस ना दे सकूँ तो मेरे दोस्त वैसे भी मेरे से मोहब्बत करते हैं तो मेरी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि DHA वैली में बहरिया टाउन, DHA वैली की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, क्या हुकूमत को भी ऐसी सोसाइटीज़ बनाने का नहीं सोचना चाहिए? देखिए, जहाँ तक सोसाइटीज़ का ये है कि हुकूमती लेवल पे तो ये होना चाहिए, मगर आपको पता है हमारे मुल्क के मसाइल का, हुकूमत इस वक्त दहशतगर्दी से निपट रही है, हुकूमत इस वक्त और बहुत सारे मसाइल में पड़ी हुई है। तो आप भी दुआ करें और मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस दहशतगर्दी के जंगल से हमें निजात दे और हमारे बच्चों को और इस मुल्क को सेफ करें। ये बाकी जो अदारे, DHA का अदारा है या बैरिया का अदारा है, ये सोसाइटीज़ बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं, इनमें लोग आएंगे, लोग आके देखेंगे, इनमें लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोगों को बहुत सारी सहूलतें हैं, सिक्योरिटी की सहूलत है, बिजली की सहूलत है, बाकी बहुत सारी सहूलतें हैं। तो जहाँ गवर्नमेंट का लेवल, गवर्नमेंट तो बहुत बड़ा अदारा है, और मैं ये तो करता हूँ और ये ख्वाहिश रखता हूँ कि गवर्नमेंट इस लेवल पर ज़रूर आए और इसको आगे करें। प्रॉपर्टी